वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयर फोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशंस आज कंडक्ट हुआ है, यानी 29 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं और जो मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे, उस क्वेश्चन को वेरीफाइड करने के बाद ही मैं आप सभी को यह एग्जाम एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। देख सकते हैं, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं तो आप लोग आंसर्स मैच कर लीजिएगा, और जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है तो आप लोग अच्छे ढंग से एनालिसिस कीजिएगा किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल क्या है। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था जीके सेक्शंस में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता कौन थे? तो ये है राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल। तो देखिए, जब पुरुष एकल विजेता पूछा गया है तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में महिला एकल विजेता पूछा जा सकता है, तो इसका भी आंसर जान लीजिए एस्ले बार्टी होता है। ठीक है, महिला एकल विजेता कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के? तो ये है एस्ले बार्टी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यानी श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुचिपुड़ी जो नृत्य है कहाँ का फेमस है, कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा गया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का कौन किया है? चैडविक ने किया है। ये न्यूट्रॉन वाला बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो क्वालालंपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, 1 बिलियन बाइट्स कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइनोनिम से, 9th नंबर। इनक्विजेटिव का पूछा गया था साइनोनिम, तो क्यूरियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था एराडिकेट का यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया था, तो एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शंस में था, ठीक है, हूबहू मैं आपको लिख आंसर्स बता रहा हूँ। ए प्लेस वेयर आर्मी लिव, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताना था, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर आर्मी रहती है उसे बैरक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नाउन फॉर्म ऑफ सिंपल, सिंपल का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सिंपलिसिटी हो जाएगा। स्कैप गॉट का यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग करने के लिए आया था, तो ये बिल्कुल सही था, SCAPEGOAT, स्कैप गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश योर फादर एंड मदर हेल्प यू, ऑप्शन था इज, वाज, आर, हैज। तो योर के अकॉर्डिंग आर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, आर योर फादर एंड मदर हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आई वाज एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलियर, तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस भरना था, एस्टोनिश्ड के साथ क्या लगेगा? एड लगेगा, ठीक है, प्रीपोजिशंस, ऑप्शंस भी सही हो जाएगा। ये जो एक सेंटेंस था, जो कंडीशनल सेंटेंस था, कि इसके इसमें क्या गलती है, ठीक है, एरर्स में पूछा गया था इसमें क्या सेंटेंस में एरर्स है। तो देखिए, इफ़ इट रेन के जगह पर रेन्स होगा, ठीक है, इट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेन नहीं रेन्स आना चाहिए, तो रेन यहाँ पर पार्ट रेन में गलती है, ठीक है, रेन्स होना चाहिए। देखिए, एक वॉयस से क्वेश्चन पूछा गया था, दे इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, तो इसका पैसिव हो जाएगा, ही वॉज इलेक्टेड PM बाई देम। एक और एरर से क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट बाई ए एक्सपेंसिव मोटर बाई, नो एरर। तो इसमें पार्ट सी में एरर है, देखिए जो एक्सपेंसिव है इसके अकॉर्डिंग ए नहीं आएगा, एन लगेगा आर्टिकल, क्योंकि ई से है, देखिए एक्सपेंसिव इसका वॉवल वाला साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एन लगेगा। तो ऑप्शंस यहाँ पर सी में गलती है, ए के जगह पर एन होना चाहिए। देखिए, ये आप लोग कंफर्म करके बताइएगा कि आया था नहीं, एबोलिस का एंट्रेंस कुछ कैंडिडेट लिख रहे थे, यदि आया होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो ये रहा 29
जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के टोटल क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को यह एग्जाम एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं आपको सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस दूंगा। तो चैनल पर जो नए कैंडिडेट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।